कितने बच्चे नीट वाले हैं इसमें सर? आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई वाले बचे हुए बच्चे हैं, इलेवेंथ में कौन कौन बच्चा है, ट्वेल्थ में कौन कौन है, तो और बच्चे किस में है? पास आउट हैं आप लोग? पास आउट कितने बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं? अच्छा, तो बच्चे या तो ट्वेल्थ के हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, JCI एक संस्था है पहले, वो भी आपकी मदद के लिए यहाँ पर उपस्थित है और समय समय पर ये लोग भी आपको मदद करते रहेंगे। अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को अच्छे नोट्स बनाने के लिए, कि जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसके नोट्स बनाने के लिए अच्छे रजिस्टर आप लोगों को दे दिए जाएं, तो आप लोग को रजिस्टर्स आप लोगों को वितरित करेंगे। तो पहले रजिस्टर वितरण का कार्यक्रम करा देते हैं। ये बहुत अच्छी किट आपने बनाई है। अच्छा, ये दो रजिस्टर आपने रखवाए हैं इसमें, ठीक है। और पेन है, ये है, मास्क भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ बेटा, लो, आइए आइए आइए। मैडम कहाँ गई वो? अरे आइए आइए, आप लोग आइए भैया, आप लोग बांट रहे हैं, आप ही नहीं हैं। आइए इधर आइए। ली, चलो अगला बच्चा है, जल्दी जल्दी आते जाइए लाइन से। चलिए आ जाओ, जाओ जल्दी जल्दी आइए। एक के पीछे आते रहिए, एक बच्चा उठ रहा है उसके पीछे वाला अगला आ जाए। आइए बैग लीजिए पहले। चलिए बहुत चलिए, और बच्चे आइए। चलो बहुत, और कोई बच्चा रह गया? आते जाइए। आइए, चलिए बैठिए आप लोग। मेरे ख्याल 23 बच्चे हैं टोटल बता रहे हैं। हाँ, तो हो गया जो हाँ मिल गया सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग JCI क्लब हैं, जोर से JCI क्लब से हैं, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए बजाइए कि आप लोगों ने आप लोगों के बारे में सोचा, बच्चों के बारे में। और कल ही परसों ही मेरी बात हुई और एक ही दिन में सारा किट आपने बनाई विद इन 24 आवर्स। और इसी तरह से भविष्य में भी आप लोग सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। इसको हटा दो बेटा, कोई इसको हटवा दो। बच्चों, जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो पैटर्न आपको पता होगा। JEE में भी
और नीट में थर्मोडायनेमिक्स से दो सवाल नॉर्मली आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से दो सवाल का मतलब हो गया 8 नंबर, और अगर गलत हो गया तो माइनस नंबर हो जाएगा, मतलब 10 नंबर डिपेंड करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। और ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स जो है मैकेनिक्स वगैरह से, जिसमें फोर्सेस वगैरह आपको लगानी पड़ती हैं, रिएक्शन कहाँ लगेगी, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, उसके मुकाबले ये चैप्टर थोड़ा सा सरल है, इसलिए इसको सबसे पहले लिया गया है। कि इसको अगर आप कर लेंगे अच्छे से कम 10 नंबर आपके, 8 नंबर मतलब आपके पक्के हो जाएंगे, और 8 नंबर से आपकी रैंकिंग कम से कम 5 से 6 हज़ार इम्प्रूव हो सकती है। 1 नंबर पे 500-600 रैंकिंग का अंतर पड़ता है। अगर आपकी रैंकिंग 10 हज़ार आने वाली है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी रैंकिंग घट के सीधे 5 हज़ार में पहुंच जाएगी। इतना डिफरेंस इस चैप्टर के पढ़ने से आ सकता है। क्योंकि आप लोग 11th पास हैं, सारे ही बच्चे 11th पास कर चुके हैं, और ये थर्मोडायनेमिक्स 11th का कोर्स में है, 11th के कोर्स में है, तो सब लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम इसको पढ़ाएंगे नीट और जेई की तैयारी के हिसाब से। 11th के साथ बोर्ड के हिसाब से तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब कैसे पढ़ाया जाएगा इसको, नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं? वेरी गुड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के? ठीक है, देखिए यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में सब में थर्मोडायनेमिक्स मैंने देखा एक सा कोर्स है लगभग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम चालू करें थर्मोडायनेमिक्स के, तो सबसे पहला लॉ आप लोगों ने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स का, वो कहलाता है जीरोथ लॉ। जीरो लॉ से चालू हुआ है। कोई बच्चा बता पाएगा कि जीरोथ लॉ को जीरो लॉ क्यों बोलते हैं, फर्स्ट लॉ क्यों नहीं बोलते? जैसे एक गिनती कैसे चालू होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जीरो से चालू हो गया, जीरो क्यों बोलते हैं इसको? देखिए जब फर्स्ट लॉ बना और सेकंड लॉ बन गया, तो जीरो लॉ क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड लॉ बनने के बाद इस लॉ का, ये लॉ बाद में आया, मतलब पहले कौन सा आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ हो गया, इसके बाद कौन सा लॉ आया, और ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से भी बेसिक लॉ था, तो अब इसको क्या नाम रखा गया, इसलिए इसका नाम जीरो लॉ कर दिया गया, जीरोथ लॉ। आप 12th में हैं, कुछ बता पाएंगी जीरोथ लॉ क्या होता है, बताइए कितना जानकारी है देखें आपको, क्या होता है जीरोथ लॉ? कुछ बेसिक, कौन बच्चा बता पाएगा, बेटा बता। वेरी गुड, बैठो बेटा, बैठ जाओ। कहाँ कहीं पे वो है क्या, किस पे लिखने का है, किस पे लिख सकते हैं हम लोग, इसी बोर्ड पे लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हाथ से ही रब हो जाएगा, ऐसे करेंगे रब हो जाएगा। जीरोथ लॉ ये कहता है बेटा, अगर ए और बी, क्या कहता है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये कॉमन सेंस का फार्मूला है, कोई कठिन चीज़ नहीं है एक समझने वाली। अगली स्लाइड पे आओ, इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन टू सिस्टम्स आर, एस लगा लो यहां पर और आर लगा लो बीच में, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सेपरेटली, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये बीच में, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। नोट कर लीजिए अच्छे से, हिंदी वाले नोट कर लें। यदि दो बॉडी या बॉडी को हिंदी में जो भी कहेंगे, क्या बोलोगे? कोई हिंदी में डेफिनेशन बताए, हिंदी हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में बताए, इसका किताब में कैसे लिखा हुआ है, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बताएगा? बता बेटा, क्या इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना यूं? नहीं, ये नहीं है बेटा, अभी तुम आगे बढ़ो। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो है जीरोथ लॉ अलग बात कह रहा है। ये बात ये कह रहा है कि ये पेन, मान लीजिए ये पेन है और ये रजिस्टर है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, रजिस्टर भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कह रहा है ये लॉ जो है। इसमें ऊर्जा नष्ट होना और वो वाली बात कहीं नहीं है। तो जीरोथ लॉ से क्या निकल के आया कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो आपस में बराबर हो, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया टेम्परेचर। तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के बराबर है और उसी बॉडी का टेम्परेचर तीसरी बॉडी के बराबर है, तो दूसरी और तीसरी का टेम्परेचर भी आपस में बराबर होगा। बहुत सिंपल सा है, कोई कठिन चीज नहीं है। टी वी इज इक्वल टू टी ए, टी सी इज इक्वल टू टी ए, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, बी और ए, सी और ए, तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। नोट हो गया बच्चों? ये देखिए, ये जो रजिस्टर दिया है मैंने आपको, अभी आप रफ नोट्स बना लीजिए, इसके बाद इसको घर जा करके फेयर नोट्स बनाएंगे। जितना बार आप लिखेंगे उतनी चीज़ें दिमाग में आपके घुसती चली जाएंगी। जीरोथ लॉ पे पहले नीट में और जेई में छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवाल आए हैं, जब नोट हो जाए बता दीजिए बच्चों। नोट हो गया? नोट हो गया, समझ में आ गया? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी, इतनी सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड, एक होती है एडियाबेटिक बॉल, एक होती है डायाथर्मिक बॉल। ये सुना है आप लोगों ने इसका नाम कभी? एडियाबेटिक बॉल का नाम सुना? कौन बच्चा बताएगा एडियाबेटिक बॉल क्या होती है? बता बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको पता है? तुमको बताया बेटा एडियाबेटिक बॉल क्या होती है? एडियाबेटिक बॉल वो बॉल होती है जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एडियाबेटिक बॉल ऐसी होती है जिससे हीट का ट्रांसफर
जैसे एक तरफ मान लीजिए टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरी तरफ कितना है 70 मान लीजिए, और बीच में हमने एडियाबेटिक वॉल लगा दी, तो टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि हीट इधर से उधर नहीं जा सकती। जैसे थर्मस है, थर्मस होता है तो उसके अंदर चाय गर्म रहती है, तो इसका मतलब कौन सी वॉल हो गई उसके अंदर? एडियाबेटिक वॉल हो गई, कि हीट का ट्रांसफर, नोट कर लीजिए जल्दी से, इट इज एन इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट, इट इज एन एडियाबेटिक वॉल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? इसी को नोट कर लीजिए, फिर किताब से हिंदी में लिख लीजिएगा। अब दूसरी वॉल आती है डायाथर्मिक वॉल, इसकी अपोजिट क्या हो गई? डायाथर्मिक वॉल, ये वो वॉल हो गई जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करती है, जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करती है। जैसे अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री है और दूसरी बॉडी का 30 डिग्री है, उसके बीच में कौन सी वॉल है? डायाथर्मिक है, तो थोड़ी देर में क्या होगा? थोड़ी देर में दोनों का टेम्परेचर, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। और अगर एडियाबेटिक है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये क्लियर हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है ये भी समझ लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, मोल्स, ये समय के साथ चेंज ना हो, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अब चेंज नहीं हो रही हैं। जैसे टेम्परेचर बराबर हो गया एक बार, जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर हमने क्या बताया 50 था, दूसरे का 30 था, दोनों के बीच में डायाथर्मिक वॉल आ गई, तो दोनों का टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा? मान लीजिए 40 हो गया, अब पता नहीं कितना होगा, मान लीजिए 40 हो गया, तो उसके बाद कोई चेंज फिर नहीं होगा, तो फिर बॉडी क्या कहलाएगी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट व्हेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। ये हट पाएगा भाई, ये जो हाँ, व्हेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 या टी ए इज इक्वल टू टीवी, जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो दोनों बॉडी क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा सवाल है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम सी है, इनके बीच में ये डायाथर्मिक वॉल है, कौन सी वॉल है? डायाथर्मिक वॉल का मतलब है हीट का फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ए से सी में हो रहा है, सी से ए में हो रहा है, बी से सी में हो रहा है, सी से ए में बी में हो रहा है। तो आप लोगों से पूछा गया है बॉडी ए और बी, इनके बीच में कौन सी वॉल है? एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब हुआ इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर, ए और बी के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ए और सी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में होगा। अब आपसे पूछा गया है क्या ए और बी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं होंगे? बता कौन, कितने बच्चे कह रहे हैं होंगे, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं होगा? बता बेटा, होगा नहीं होगा ए और बी? होगा। क्यों होगा? कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? तुम बताओ बेटा क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, वेरी गुड, इनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है,
लेकिन चूंकि ये इससे इक्विलिब्रियम में है, ये इससे इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों का भी आपस में इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर हो गया? भले ही उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इसको बना लीजिए। बना लिया आप लोगों ने? तो आप लोगों को जीरोथ लॉ समझ में आ गया, एडियाबेटिक वॉल समझ में आ गई, डायाथर्मिक वॉल समझ में आ गई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। चार चीजें समझ में आ गई। देखिए बच्चों, फिजिक्स में एक होता है सिस्टम और बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। और इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो होता है, ठीक है? और अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, कोई बच्चा बताएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? हाँ बताओ बेटा, मतलब उसका इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से कोई मतलब ना हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, कि फिर सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना तो इधर से कुछ अंदर जाएगा, ना इधर से बाहर, ना तो मास ट्रांसफर होगा, ना हीट ट्रांसफर होगी, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सवाल है, क्वेश्चन है, इसमें पांच सिस्टम्स बने हुए हैं, पांच, एम एन पी क्यू टी, कितने सिस्टम्स हैं? इस टाइप का सवाल एक बार जेई एडवांस में आया था, जेई मेंस में। कितने सिस्टम्स हैं इसमें बने हुए? पांच। लाल वाली जो वॉल है ये क्या है? एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब है कि इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर, पी और क्यू के बीच में हीट का ट्रांसफर। और हरी वाली वॉल कौन सी है? डायाथर्मिक वॉल। इसका मतलब इनके बीच में, इनके बीच में और इसके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा। तो वो पूछ रहा है, लिस्ट द पेयर ऑफ सिस्टम्स दैट आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है? हाथ खड़ा करो जिसको आता है बेटा। एक दो तीन चार पाँच छः बच्चे, तुम आ जाओ बेटा, ब्लैक शर्ट आ जाओ, जाओ बताओ कौन कौन से सिस्टम जो है इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, उल्टा पूछा है। ऐसे ऐसे लिख दो, एन टी कौन कौन से नहीं है। वेरी गुड। बैठो बैठ, बता बच्चों सही है आंसर? कोई और सिस्टम भी ऐसा है, कोई और पेयर भी ऐसा है इसमें जो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो? पी और क्यू, इनके बीच में एडियाबेटिक वॉल है। कौन सी वॉल है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा पी एन क्यू? कितने बच्चे कह रहे हैं होगा और कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा? नहीं वाले हाथ खड़ा करें। बेटा ये होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में,
क्योंकि पीएम के साथ किसमें है, पीएम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्यूएम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो पी और क्यू भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इनके बीच में भले ही एडियाबेटिक वॉल है, लेकिन चूंकि ये ऊपर वाले के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए पी और क्यू भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है बेटा, आप तुमको क्लियर हो गया ये बात? आ गया, तुम हाथ खड़ा कर रहे थे ना, नहीं होगा, अब समझ में आया तुमको? आओ आओ तो आगे, डर कह रहे हो, बता क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों है ये? हाँ, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हैं, फिर बाद में जब घर आते हैं फिर देखते हैं अरे चार सवाल तो इसलिए गलत हो गए कि सवाल को हमने ठीक से पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता है ना, इसलिए सवाल को हमेशा पहले ठीक से समझ। अब समझ में आ गया ना तुमको? बैठो, अब बताइए जीरोथ लॉ पे किसी को कुछ पूछना हो इसके अलावा? क्लियर हो गया दो सवालों से? बहुत सिंपल सवाल जो दो सेकंड में आप लोग कर सकते हैं, कभी कभी नीट और जेई में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ये आंसर इस स्लाइड में आंसर दिया हुआ है। एन एन और टी नहीं होंगे, टी और पी नहीं होंगे, टी और क्यू नहीं होंगे, टी और एम नहीं होंगे, और सारे सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, अब आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाने से पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड व्हाट इज गामा। रिवीजन है, आप लोगों ने पढ़ा तो सब होगा। ये देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कोई बच्चा बता पाएगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से? यू से। इंटरनल एनर्जी जो है यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिस्टम के अंदर की जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब के जोड़ को क्या बोलते हैं? सारे के जोड़ को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन। इसका मतलब कोई समझ पाता है कि स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है और पाथ फंक्शन का क्या मतलब है? बेटा बोर्ड पे बताओ बच्चों को, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है? साइड में खाली खाली जगह में लिखो, ग्राफ बना के बताओ बेटा, कैसे समझाओगी? नहीं नहीं, ये लिखना नहीं है क्या? नहीं, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, ऐसे करके बताओ बच्चों को, जैसे पॉइंट। हाँ समझ गए, वेरी गुड। वेरी गुड। क्या नाम, पाथ फंक्शन बोलता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से जो वर्क डन होगा एक का ज्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया वो सब कांसेप्ट आगे पढ़ने पड़ते हैं। तो स्टेट फंक्शन जो होता है जो केवल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे कोई आदमी अपने घर से चला और घर वापस आ गया, स्कूल गया और कहां वापस आ गया, और स्कूल मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी?
10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये तो पता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, तो सब कुछ मिला के जीरो हो गया। और डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है कि पाथ पे कितना वो चला। तो अगर कोई आदमी ए से चला और बी तक पहुंचा और अलग अलग रास्तों से चला, इस रास्ते कोई इस रास्ते से गया, कोई इस रास्ते से गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हर केस में क्या होगी ए से बी तक जाने में। यू, ये वाला पाथ मान लीजिए वन है, ये टू है, ये तीसरा पाथ है, तो यू वन इज डेल्टा यू वन इज कर टू डेल्टा यू टू इज कर टू डेल्टा। अगर अलग अलग पाथ से कोई जाता है तो हर केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। ये आ गई बात समझ में? और अगर घूम के अपने ही पाथ पे आ गया, मान लीजिए मतलब ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? अगर कोई अपने जीरो, अगर अपने पे वापस आ गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर नहीं क्लियर हो तो अभी पूछ ले बच्चा जो है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना है आपको तो यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर एक लाइन जो हमने लिखी है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। क्लियर? आइडियल केस की इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, कि ये माना जाता है कि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो आइडियल केसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, पहले इससे पहले एक फार्मूला ये लिख लीजिए, U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये फार्मूला लिख लीजिए। U का फार्मूला क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। यहां पर एन क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। सी वी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब डेल्टा टी नहीं होगा, टी लिखिए पहले, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन। और सीवी की वैल्यू क्या होती है? आप लोगों ने इसमें काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा होगा, सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, पढ़ा है इसे? सीवी की वैल्यू क्या होती है? एफ बाई टू, एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो इन दोनों को मिलाकर के इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बन गया, यू इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी। क्लियर है? और इसी से डेल्टा यू का फार्मूला बन गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ये समझ लीजिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप की गैसेस ली गई हैं। एक होती है मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जिसके अंदर एक ही एटम हो, ऐसी गैसेस जिसके अंदर एक ही एटम हो, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, चेनॉन। इनमें इसके अंदर कितने एटम्स हैं? इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है?
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। ये लोग केवल एक्स वाई जेड एक्सिस में ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं केवल। तो कितनी है, कितनी एक्सिस होती हैं? तीन होती हैं, एक्स वाई जेड। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगा इनकी? तीन। और जो डाई एटॉमिक गैसेस हैं, डाई एटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं? जिसके अंदर दो एटम हो। तो दो एटम वाली गैसेस कौन सी होती हैं? O2N2H2, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब दो दो एटम वाली गैसेस हैं। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? पाँच। पाँच में से दो कौन सी होती हैं? रोटेशनल। तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल होती हैं इसमें से। ये जो है, क्योंकि दो एटम है इसके अंदर, कितने एटम है, तो वो दो एटम रोटेट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। तो तीन प्लस दो कितनी हो गई? पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तीसरा है पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हो उनके क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक गैसेस। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम छह होती है। छह क्यों होती है? तीन ट्रांसलेशनल और तीन कौन सी होती हैं? रोटेशनल। क्योंकि इसके अंदर तीन एटम हो गए तो वो तीन रोटेशन हो गए इसके पास। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाता है, वो कहलाता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो मोनोएटॉमिक में कितनी हो जाएंगी? थ्री प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, वो नॉर्मली दो लेते हैं हम लोग, तो सब में दो 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 और जुड़ जाएंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाई टेम्परेचर पर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और जुड़ जाते हैं। लेकिन आपको ये पक्के से याद रहना चाहिए, मोनोएटॉमिक का तीन, डायएटॉमिक का पांच, पॉलीएटॉमिक का छह डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसको कोई बच्चा सॉल्व करे यहाँ के, ये जो अभी पढ़ाया है उसी पे सवाल है। कौन बच्चा सॉल्व करेगा इसको? कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है? पहले सवाल को पढ़ लें सब बच्चे, जो अभी तक पढ़ाया है उसी पे ये सवाल है। अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए इसको। और जिसका आंसर पहले आ जाए बताइए। किसी का आंसर आया हो तो बताएं। किसी का आंसर आया? आ गया? आंसर पूरा निकालो, टेम्परेचर दिया हुआ है। आर की वैल्यू दे देते हैं, जिन बच्चों को आर की वैल्यू नहीं याद है, आर इज इक्वल टू कैलोरी में निकाल लीजिए, टू कैलोरी पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू कैलोरी में आंसर निकालना है आप लोगों को। अब तो और आसान हो गया कैलोरी में। किसी बच्चे का आंसर आया? आप बता करो कितना आया, करके दिखा बेटा। इनको पहले करने दो, फिर तुम करना। करो बेटा करो।
ठीक है, वेरी गुड। सब बच्चों को समझ में आया? देखिए, फार्मूला हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, एन कितना है बेटा, एन की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 मोल्स। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस दी हुई है, डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू दी हुई है, ये क्या चीज़ किस में आंसर आएगा, ये है कैलोरी, ये आपका आधा नंबर कट जाएगा इसमें, कैलोरी, इतने कैलोरी आंसर हो गया। कर लिया सबने सॉल्व? नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जूल में करा है, जूल में करना हो तो आर की वैल्यू 8.2 की जगह कितनी हो जाती है, 8.314। तो वही एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 5, टी 300, या आर की वैल्यू जूल में दी है, तो जूल में आंसर इतना हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टी की जगह डेल्टा टी हो जाएगा, बस टी की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये फार्मूला एन वही है, एफ बाई टू वही है, आर वही है, या यू है, यू की जगह डेल्टा यू हो गया, तो टी की जगह डेल्टा टी हो गया। और दूसरा फार्मूला इसका हमने ये भी आप लोगों को बता दिया है, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, सी वी के बराबर है। इन ए साइक्लिक प्रोसेस, जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वापस आ गया कोई आदमी, तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। अब बताइए ये किस पे डिपेंड कर रहा है इंटरनल एनर्जी, केवल ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, तो अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू 0 होगा। तो आपको दो चीजें दिमाग में रख लेनी है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, इन दोनों मामलों में डेल्टा यू विल बी 0। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीवी क्या होता है, जो अभी सीवी की बात हो रही थी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हमने किसी प्रोसेस में क्यू एनर्जी दी, कितनी कितनी एनर्जी दी आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका फार्मूला हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। तो उसी से ये सी वी की वैल्यू आई है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसी तरह से सीपी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। C
सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये तो सबको पता होगा। सीपी और सीवी का डिफरेंस कितना होता है? आर के बराबर होता है। और सीवी का भी एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया, एफ बाई टू आर होता है। नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, इससे सीपी कितना हो गया? आर प्लस सीवी। तो सीपी कितना हो गया? इन दोनों को मिलाकर के सीपी की वैल्यू निकल आएगी, वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर। क्लियर हो रहा है? ये नीट में इस टाइप के सवाल आते हैं, सीपी सीवी इस टाइप से पूछ लेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशनशिप है सीपी और एफ के बीच में। और इससे फिर निकल आएगा आपका सीपी अपान सीवी। गामा क्या होता है? सीपी अपान सीवी क्या होता है बेटा? गामा। तो गामा की वैल्यू इससे निकल आएगी, वन प्लस टू अपान एफ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो सब जानते ही हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करा बच्चों? क्या नोट किया? सी पी माइनस सी बी इजकल टू आर, सबको पता है। सी पी माइनस सी बी इजकल टू आर, वेरी गुड, ये नोट कर लिया। अगली स्लाइड पे आ जाओ, बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। अब ये टेबल बना लीजिए, पहले समझ लीजिए। मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? डायएटॉमिक में पांच, पॉलीएटॉमिक में छह। तो अभी सीवी की वैल्यू मैंने क्या बताई? एफ बाई टू आर। तो मोनोटॉमिक गैस में सीवी कितना हो गया? तीन बटे दो आर। डायटॉमिक में पांच बटे दो आर, और पॉलीएटॉमिक में कितना हो गया? छह बटे दो आर। सीपी होता है सीवी प्लस आर, तो इसमें जितनी वैल्यू आई है प्लस वन और कर देंगे, एक आर और जुड़ जाएगा। तो तीन बटे दो आर है, तो उसकी जगह पाँच बटे दो आर हो जाएगा, पाँच की जगह सात हो जाएगा, तीन आर की जगह चार आर हो जाएगा। सी पी ओ सी बी क्लियर है। और ये फार्मूला आपको अभी बताया मैंने, गामा इज टू वन प्लस टू अपान एफ। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है मोनोटॉमिक में, तो ये पाँच बटे तीन हो गया। तो मोनोटॉमिक में गामा कितना लेंगे? 1.66। ये बच्चे गलती कर देते हैं, हर केस में 1.4 ले लेते हैं। केवल डायएटॉमिक में गामा की वैल्यू कितनी होगी? डायएटॉमिक में 1.4, और पॉलीएटॉमिक में होगी 1.33, और मोनोएटॉमिक में होगी 1.67। क्लियर है? ये टेबल बना ली बच्चों ने, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गामा की वैल्यू, सब बच्चों को क्लियर हो रही है गामा की वैल्यू? मोनोएटॉमिक में कितनी होगी गामा की वैल्यू? वन, पॉलीएटॉमिक में और डायएटॉमिक में 1.4। गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशनशिप है? वन प्लस टू अपान एफ, वन प्लस गामा इज टू वन प्लस टू अपान एफ। नोट कर लिया? ये नोट्स अभी आप जल्दी जल्दी नोट कर रहे हैं, इसको जो कॉपी दी है उसे फेयर करके लाएंगे कल। नेक्स्ट स्लाइड।
तो आपको अभी क्या चीज समझाई हमने, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई आप लोगों को, सीपी सीवी और गामा समझ में आ गया, गैस कांस्टेंट समझ में आ गया। अब आता है वर्क डन। वर्क डन केमिस्ट्री में अलग होता है साइन, और फिजिक्स में अलग होता है, ये तो सबको पता होगा। नॉमिन इसका साइन जो है फिजिक्स में बदल जाता है, केमिस्ट्री में कुछ और हो जाता है। फिजिक्स में हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका कार है या मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में आप क्या करते हैं, पेट्रोल से पेट्रोल डालते हैं ना उसके अंदर, तो क्या पेट्रोल इग्निशन से फिर क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं पेट्रोल चलता है तो हम क्या देते हैं इंजन को, हीट देते हैं, और उससे क्या होता है वो पहिया चलता है तो वर्क हमको मिलता है। तो हीट देते हैं और वर्क हमको मिलता है। तो हीट देना, अगर सिस्टम को हीट आप दे रहे हैं तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। हीट देने को क्या होगा, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा हो जाए। सिस्टम मान लीजिए हीट को रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो क्यू क्या होगा, क्यू नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम हीट को निकाल रहा है, सिस्टम में से बाहर निकल रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में अगर पीछे हाथ लगाओ तो गर्मी गर्म गर्म होता है, तो हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो वहां पर क्यू क्या हो जाएगा, वो माइनस। तो हीट देना का मतलब पॉजिटिव, हीट निकलने का मतलब नेगेटिव। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो फिर वो पॉजिटिव। मान लीजिए कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को आपने दबाया, काम किया गुब्बारे के ऊपर, तो वर्क डन कैसा होगा वो, क्योंकि आपने काम किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इंजन घूम रहा है तो वर्क कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन का ये फार्मूला आपको पता होगा, पता है नहीं पता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू। सब बच्चों को पता होगा ये, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, और वर्क डन को पीवी डायग्राम पे वर्क डन को अगर कोई वन से टू तक गया तो बताइए कितना वर्क डन कितना करेगा ये, कोई बच्चा बता पाएगा, केवल ग्राफ से निकालना हो, एरिया, वेरी गुड। इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है, ऐसे वर्टिकल लाइन खींच देंगे और ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कैसा है, इसमें वर्क डन कितना होगा, कोई बच्चा बता पाएगा वर्क डन, इसके अंदर का एरिया, इसके, अब इस केस में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर यही को इसी का हम ऐसे कर दें, ऐसा कर दें, मान लो उल्टा घुमा दें इसको, तो फिर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा।
क्लियर। ये तो वर्क डन का ये फार्मूला नोट कर लीजिए। दूसरा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया इन द साइकिल, इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज देन वर्क डन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्लाइड। कौन बच्चा करेगा इसको? कोई गैस है एक एटमॉस्फेयर पे, कितने? वन एटमॉस्फेयर। ये कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड कर जाती है, कितना एक्सपेंशन हो रहा है? 0.5 लीटर का। तो इसका वर्क डन कोई बच्चा निकाल पाएगा? बेटा निकालो। फॉर्मूले से निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोई बच्चा इसको जूल में कन्वर्ट कर पाएगा? जैसे इन्होंने यूनिट लिखी है, बहुत अच्छी बात है, 0.5 एटमॉस्फेरिक लीटर। इसको कोई बच्चा ऐसा है जो जूल में कन्वर्ट कर पाएगा? बता बेटा, जूल में कन्वर्ट कर लोगे इसको? कौन बच्चा कर पाएगा जूल में? बेटा करो, जूल में करो आके। बेटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कितना होता है ये नहीं पता आप लोगों को? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 bar के बराबर होता है कि नहीं? तो 1 bar कितना होता है? 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये लीटर, एक लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई लीटर को कर देंगे 10⁻³ इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 × 10⁵2। ये और ये चले गए तो आंसर हो गया लगभग 50 जूल। देखिए ये आप लोगों को आना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कहीं पर दिया है उसकी वैल्यू 1.01 × 10⁵ होती है। ठीक है, और लीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। अगली स्लाइड पर तो इसका आंसर देख लीजिए कैसे इसमें करा है। पी को कितना लिख दिया? 1.01 × 10⁵ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.5 लीटर में दिया, इसको लिख दिया 10⁻³ मीटर क्यूब में। तो आंसर आ गया 50 जूल। नेक्स्ट स्लाइड। एक ये प्रोसेस है ए से बी तक, कहां से? ए से, ए पर वॉल्यूम दिया हुआ है 1, बी पर वॉल्यूम दिया है 3 लीटर में,
यहाँ पर प्रेशर दिया 2, यहाँ पर प्रेशर दिया 4। अब आपको निकालना है कि इसमें वर्क डन कितना हुआ। कौन बच्चा निकालेगा इसको? 12th पास कौन बच्चा है? 12th पास कोई बच्चा है इसमें? कोई निकाल पाएगा इसको? हाँ निकालो बेटा। नहीं बेटा गलत है, ऐसे नहीं होगा। ये हमने एक फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को, ये तो तब लगेगा जब पीक, हाँ एरिया निकलेगा, एरिया से निकालो बेटा। देखिए किसका एरिया निकाला आपने, ए से बी के नीच के बीच का नीचे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको। आराम से निकालो, आराम से। देखो आसान कर दें, पहले तो पहले समझ लो ए से बी है तो इसका वर्क डन कितना होगा, इस लाइन के नीचे जितना एरिया है, ठीक है, कितना एरिया है, इतना एरिया है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, या तो ट्रेपेजियम का फार्मूला पता हो, हाँ तो हाफ उससे कर लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, फार्मूला मत लिखो, पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसमें, उसकी हाइट कितनी कितनी है, 2+4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई, प्लस नहीं होता है मल्टीप्लाइड होता है बेटा, और हाइट कितनी हो गई, हाँ करो, वेरी गुड, वेरी गुड। आया समझ में आप लोगों को, इसका जो एरिया है ये ट्रेपेजियम बन गया, क्या बन गया, एक इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट कितनी हो गई ये। और जिसको ये फार्मूला ना याद हो वो क्या कर सकता है कि इसको दो हिस्सों में बांट ले, पहले रेक्टेंगल का फार्म एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 3 - 2 × 2 = 4, रेक्टेंगल कितना हो गया 2 × 2, और फिर एक ट्रायंगल का निकाल लेंगे, हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4 - 2 = 2, 4 + 2 = 6। या तो आप ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाइए, ट्रेपेजियम का फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो इस एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, नीचे वाला हिस्सा रेक्टेंगल बन गया, ऊपर वाला हिस्सा ट्रायंगल बन गया, दोनों के एरिया को जोड़ लीजिए, जितना एरिया आएगा उतना ही वर्क डन होगा। नेक्स्ट स्लाइड, जैसा इन्होंने किया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड,
इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 4 है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट कितनी हो गई 3 माइनस 1, तो आंसर आ गया 6। और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जूल में, एटम को लिख दिया 1.01 × 10^5, लीटर को लिख दिया 10^-3, तो आंसर आपका आ गया। क्लियर है? कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो बता दे, किसी बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट स्लाइड, चलो भाई कौन बच्चा करेगा इसको, मिलता जुलता सवाल है, करो बेटा जाओ, पहले कॉपी में नोट कर लो, समझ लो सवाल को। वही सवाल थोड़ा अलग रूप में है, उतार लिया बच्चों? पहले बताइए ए से पहले क्या पूछा है, वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू, वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी, कौन बच्चा बताएगा ए टू बी में कितना वर्क डन होगा? बता बेटा तुम बताओ ए टू बी में कितना वर्क होगा, ए से बी ए जाने में। डी नहीं है इसमें, केवल ए बी सी लिखी है इसको, ठीक है बेटा, ए बी सी, इसे डी की जगह बच्चों ए कर लो इसको, ए बी सी ए, कौन बच्चा पूरा सवाल करेगा? आ जा बेटा उधर से आ जा, तो आंसर लिखते जा बेटा, ए टू बी के सामने 0 लिख दो, तो 6 लिख दो बेटा उसके सामने। ए ए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आया समझ में बच्चों? कोई बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो, बहुत सिंपल सवाल है, जब वॉल्यूम में कोई ए बी में डेल्टा बी कितना है, 0 है, इसलिए उसमें वर्क डन कितना आएगा, 0, उसके नीचे कोई एरिया नहीं है। और अगर आप पी डी बी वाला फार्मूला लगाओगे तब भी डेल्टा बी इज कर टू 0, तो वर्क डन प्रोसेस ए टू बी में 0 हो जाएगा। तो ए टू बी 0 हो गया, ए से सी का इतना एरिया हो गया, इस वाले में पूरा एरिया हो गया, और अगर इस पूरे का बताएं तो अंदर का एरिया हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके बाद सवाल दिए जाएंगे आप लोगों को करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड,
अच्छा ये बताइए, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? है क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ए से बी का तो जीरो हो गया, बी से सी का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बी से सी पॉजिटिव, और सी से ए वाला वर्क कैसा होगा, कैसा होगा? जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब भी वॉल्यूम कम होगा तो फिर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो डी सी से ए के बीच में वर्क वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वर्क डन का आंसर में आपको क्या लिखना होगा? हाँ, वो आपको ऑप्शन दे देगा, चार बी दे देगा माइनस चार, सी में दे देगा दो, डी में दे देगा माइनस दो। अब आपने इसका एरिया कितना निकाल लिया, मालूम चला दो इंटू दो चार, एरिया तो चार निकलाया, तो जल्दीबाजी में आपने क्या लगा दिया आंसर, चार, और हो जाएगा वो गलत। कैसा ही आंसर होगा, माइनस चार, क्योंकि वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। अगली स्लाइड पर ये सवाल पहले उतार लीजिए, उतार लीजिए। उतार लिया, इसमें ई ई की जगह ए नोट कर लीजिए, ए है यहां पर। जो बच्चे कर सकते हैं हाथ खड़ा करें। बेटा तुम आ जाओ, देख तो उसके सामने जीरो लिख दो बेटा। ए और बी के, ए से बी प्रोसेस में वर्क डन इज जीरो बिकॉज देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इज जीरो, सो वर्क डन इज जीरो। बी से सी का समझाओ बेटा। वेरी गुड, सही किया बच्चे ने, लोग गलत बता रहे हैं तुम्हारा। रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है बेटा, यह ट्रायंगल है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, तो तुमने हाफ का लिखा है। रुको रुको रुको, अभी सही नहीं करा तुमने। आराम से करो बेटा।
वेरी गुड, अब ठीक है तुम्हारा। अब सी टू डी में आइए, लिखो जीरो लिख दो, वेरी गुड। डी टू ए का कितना होगा, निकालिए। वेरी गुड, आठ आंसर ठीक है। नहीं, आठ तो ठीक है, लेकिन आठ फिर भी कुछ गलती है, छह तो नहीं आएगा। छह कौन बच्चा बता रहा है? हाँ, निगेटिव एट आएगा बेटा, निगेटिव। वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग, तो बी टू माइनस वी वन, बी टू कम है, वी वन ज्यादा है, इसलिए आंसर माइनस एट आएगा। अब पूरा बताओ साइकिल का। छह आंसर सही है इनका, साइकिल कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या जाएगा, माइनस लगाइए। वेरी गुड, आगे समझ में, अब कर लेंगे इस टाइप के सवाल। कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, साइन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, उसमें नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएं। इसी तरह से साइकिल अगर नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो फिर नेगेटिव साइन उसमें लगेगा, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड। जिन बच्चों ने देखिए, इस बच्चे ने जीरो निकाला था ठीक था, इसका दो निकाला था ठीक था, जीरो निकाला था ठीक था, माइनस आठ था ठीक था, माइनस छः। जिन्होंने नहीं नोट किया नोट कर ले, नहीं सॉल्व हो पाया जिससे नोट कर लीजिए। देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो पी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यह आया समझ में? जब वॉल्यूम कम होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया ना, तो मान लीजिए प्रेशर कितना, जैसे डी से ए की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रेशर कितना है, फोर लिख दिया हमने। बी फाइनल कितना है यहाँ पर, दो, और बी स्टार्टिंग में कितना था, फोर, तो चार इंटू क्या आएगा, माइनस दो आएगा कि नहीं, तो आंसर हो गया माइनस एट। आसान तरीका मैंने ये बताया, ये सब लिखने की बजाय सीधा सा आप देखिए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब भी हिंदी वाले आयतन, अंग्रेजी में वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन हमेशा जो है नेगेटिव होगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल चल रही है, साइकिल अगर क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ऐसे ऐसे,
तो आप वर्कडन पॉजिटिव होगा। और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो वर्कडन क्या होगा? तो इसमें साइकिल कैसे चल रही है बेटा, तो वर्कडन क्या होगा इसमें? नेगेटिव आएगा, जब पूरे साइकिल की बात करेंगे जब। और इंडिविजुअल प्रोसेस में क्या देखेंगे? वॉल्यूम देखेंगे। अगर एक प्रोसेस की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस है पीवी डायग्राम पे, ए से बी, ए से बी में वर्क डन कैसा होगा? क्यों? वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? और अगर यही उल्टा हो जाए, बी से ए, कैसे जाएं हम बी से ए, तो वर्क डन कैसा होगा? क्योंकि वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हम बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका, ये सब समझने के बाद थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कोई क्लास तो नहीं आप लोगों की इसके बाद? हैं, कोई टीचर वेट तो नहीं कर रहा? कौन देख रहा है? क्या उनको क्लास लेनी है क्या, या एक ही दिन में उनको हम पढ़ा दें, खत्म करें, एक चैप्टर पूरा कर दें, पूरा कर दें चैप्टर? थक तो नहीं गए? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, दिस इज बेसिकली क्या क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि अगर आपने किसी सिस्टम को कोई एनर्जी दी, तो उसका कुछ हिस्सा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, और बचे हुए हिस्से से क्या होगा? वर्क डन होगा। कुछ हिस्सा जो है खर्च हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ हिस्सा किसके किस में खर्च होगा? वर्क डन में होगा। दोनों का योग बराबर होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। इसको रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर सिस्टम को क्यू एनर्जी दे रहे हैं आप, सिस्टम को एनर्जी, तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सिस्टम से वर्क हो रहा है तो फिर वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी सप्लाइड कर लो इसको, सप्लाइड टू द सिस्टम गोज इन पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द रेस्ट इन वर्क ऑन द एनवायरमेंट। तो दो हिस्सों में बट गया। क्यों? जो आपने एनर्जी दी दो हिस्सों में बट गई। कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक वर्क डन है, और दूसरा हिस्सा क्या है बच्चों? इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड। उतार लीजिए पहले इसको। कौन बच्चा करेगा? कोई बच्चा कर पाएगा इसको? बड़ा आ जा करो। कोई और बच्चे को आता हो तो हाथ खड़ा कर दे।
बेटा एरिया से होगा, इससे नहीं होगा, फार्मूले से नहीं होगा ये। हाँ, वर्क डन बाय द गैस ए टू बी, हाँ ए से बी जाने में वर्क डन कितना होगा, पी कांस्टेंट तो है नहीं, वी भी कांस्टेंट नहीं है। अभी क्या बताया था, इस कोई भी प्रोसेस होता है तो वर्क डन उसके नीचे का एरिया होता है, निकालो बेटा। वेरी गुड, काय में आएगा ये जूल, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, एकदम सही किया जो है। अब हाँ अगला निकालो बेटा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यू का क्या फार्मूला बताया था शुरू में, एन लिखो लिखो एन एफ वाई टू है, मोनोटॉमिक दिया बेटा, यहाँ कर लो बेटा, यहाँ पे करो, यहाँ पे खाली जगह में करो, लिखो यूज डेल्टा यूज कर टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, चलो बेटा हम लॉक कर दें बेटा, समझा दें। देखो यहाँ पर इन्होंने ये सही लिखा बेटा, U निकालने के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा T। अब दिक्कत क्या है कि हमें एन नहीं पता है, डेल्टा टी नहीं पता है, यहाँ पर दो चीज़ें, एफ कितना होगा इस केस में तीन, आर की वैल्यू भी पता है लेकिन डेल्टा टी और एन नहीं पता है, कैसे कर सकते हैं इसको। एन आर टी किसके बराबर होता है, पी वी के बराबर होता है, और पी वी दोनों जगह दिया हुआ है, यहाँ प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको। एनआरटी को यहाँ एफ बाई टू लिख देंगे और एनआरटी को क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू माइनस, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए, एफ की वैल्यू कितनी होती है बेटा तीन बटे दो, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है टू, टू ये हमारा पॉइंट है, एट इंटू टेन की पावर फाइव
इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है 0.5, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है 4 × 10^5, इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है 0. आ रहा है समझ में? तो 3/2 10^5 को बाहर ले लिया, 8 × 5 = 40, तो 4 बचा, 4 × 2 = 8, 0.8 बचा। क्लियर है? ये हो गया 3/2 × 10^5 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये हो गया 1.6, ये हो गया 4.8 × 10^5। क्लियर है? डेल्टा यू निकाल लिया। अब डेल्टा क्यू कौन निकालेगा? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। करो आके, जो करके बताओ बेटा। ये आया था 1.8, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल के दिखा बेटा। वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा क्यू। क्लियर है? कर लिया सबने, उतार लिया। अगली स्लाइड पे आओ। देखो भाई, आंसर है क्या? कहाँ है फाइनल आंसर? डेल्टा क्यू इतना ही आया था क्या? मैच कर गया आंसर? जिस नेक्स्ट स्लाइड, ये बेटा है डेल्टा यू। कोई बच्चा कर पाएगा इसको? कौन बच्चा कर पाएगा? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे जो कर पाएगा? 3 बच्चे खड़े कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। वेरी गुड। वेरी गुड।
वेरी गुड, आया समझ में? देखिए ये फार्मूला बहुत शुरू से मैंने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जरूरत पड़ेगी इसकी। डेल्टा इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी। एन कितना दिया हुआ है? 2 मोल। एफ कितना होगा? डायटॉमिक गैस है। ओ टू कैसी है? तो एफ की वैल्यू 5 रख दी। डेल्टा टी क्या है? 25 से कितने डिग्री गया है? 150 डिग्री गया है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो डेल्टा यू की वैल्यू इन्होंने 250 आर जूल में निकाल दी। फिर उन्होंने कहा चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो वर्क डन 0 होगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो वो भी क्यू की वैल्यू भी वही आएगी जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, देखो यही आंसर है, यही है। इसमें आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है, डब्ल्यू 0 आया है। नेक्स्ट स्लाइड हो। अब यही सवाल है जो पिछला सवाल था, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर लिख दिया आपकी बार कांस्टेंट। अब कौन कर पाएगा ये सवाल? पहले कांस्टेंट वॉल्यूम था, इस बार कांस्टेंट प्रेशर है। कोई कर पाएगा बच्चा? और हीलियम कर दिया है, पहले O2 था, इस बार क्या है? हीलियम। दो डिफरेंस हैं पिछले सवाल में और इस सवाल में, दो अंतर हैं। यहाँ हीलियम कर दिया है और यहाँ प्रेशर कर दिया। कौन बच्चा कर पाएगा अब ये सवाल? कोई बच्चा कर पाएगा? डेल्टा यू कितना होता है बच्चों? डेल्टा यू में क्या दिक्कत है? डेल्टा यू को तो वही फार्मूला है, क्या है? एन इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी आपको पता ही है ये फार्मूला, डेल्टा यू का फार्मूला, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, एक ही है। ये तो हमने कभी नहीं बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये फार्मूला होगा या कांस्टेंट उस पर ये फार्मूला होगा। डेल्टा यू का फार्मूला हमेशा किस पे डिपेंड करता है? केवल डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, और किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा यू तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब बताइए डेल्टा यू कौन निकाल सकता है? जाओ निकालो बच्चा। डेल्टा यू की वैल्यू आर के फॉर्म में निकालना, ठीक है, आर की वैल्यू मत रखना। अरे आप क्यों यहाँ बैठे हैं? आप जाइए जाइए, आप अपना काम देखिए। हाँ हाँ, आप देखिए अपना काम देखिए। वेरी गुड। और आर अगर चलिए आर में ही रहने दीजिए, ये क्लियर हो गया आपको? पहले भी इतना ही आया था,
पहले 450 आया तो O2 था, F की वैल्यू 5 थी यहाँ पर, तो अलग आया था। डेल्टा U निकालना आ गया। और अगर मान लीजिए यहाँ O2 होता, O2, तब क्या होता, F की जगह क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो इतना तो निकल आया, डेल्टा कितना निकल के आया, ये डेल्टा यू 150 आर निकल आया। अब हमें क्यू और निकालना है। कौन बच्चा निकाल पाएगा क्यू? कई बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलो आप। पी कहाँ दिया है बेटा? कांस्टेंट तो है लेकिन वैल्यू तो नहीं दी है। पी डेल्टा वी जी का एनआरटी रख रही हो, चलो ठीक है, देखते हैं। सही है बच्चों? सही किया बच्चे ने, बहुत बढ़िया। इसने दिमाग लगाया कि पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा। और एक दूसरा तरीका और भी है, दूसरा तरीका ये लगा सकते थे आप, क्यू इज कट होता है एन सी पी डेल्टा टी। ये पता है बच्चों एन कितना दिया हुआ है? 1 मोल। सीपी कितना होगा? 1 प्लस 2 अपॉन F / 2 R गुणा 100। F की वैल्यू हो जाएगी 3/2 R गुणा 500, ये हो जाएगा 5/2 गुणा आर गुणा 100, 2 से गया 50, 5/2 क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सीपी, हाँ 250, ये इनका भी 250 आया है, 250 जूल। ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं कि क्यू का फार्मूला होता है एन, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो सीपी डेल्टा टी, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा एन सीपी डेल्टा टी। और सीपी की वैल्यू हो गई 1 प्लस सीवी, सीवी की वैल्यू होती है F/2। क्लियर है? इतना समझ में आ गया बच्चों को? नेक्स्ट स्लाइड, वही आंसर जो निकाला है बच्चों ने। नेक्स्ट पलटना क्या, इसका आंसर अंतर क्यों आ गया? F/2, अच्छा इसमें कैलोरी रख दिया, आर की वैल्यू 2 रख दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत सरल सवाल है, कौन बच्चा करेगा? सबसे सरल सवाल अब तक का, पहले उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, फाइंड W एंड डेल्टा U। ये नीट में आ सकता है, जेई में इतना सरल सवाल नहीं आएगा,
लेकिन नीट में आ सकता है। कर लोगे? कौन बच्चा ब्लैक बोर्ड पर नहीं गया अभी तक? कौन बच्चा है जो अभी तक ब्लैक बोर्ड पर नहीं गया है? बेटा चलो आप करो, वाइट शर्ट करो, ये सवाल कर पाओगे? नहीं, जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत सबसे सिंपल सवाल है। कितने बच्चे कर लेंगे, हाथ खड़ा करें? बस दो, तीन, चार। बेटा तुम्हारे बगल वाली जो है, आओ बेटा करो। समझ में आया अभी तक किसी को? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बताया था हमने? टेम्परेचर जीरो हो गया तो डेल्टा यू कितना हो गया? तो एक आंसर तो ऐसे ही निकल आया, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का क्या मतलब है? डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी कितना है तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो डब्लू कैसे निकालोगे फिर? क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था? डेल्टा यू प्लस, ये बताया था। क्यू कितना दिया है? गिवन। गिवन का मतलब पॉजिटिव। डेल्टा यू जीरो तो डब्लू कितना हो गया? डब्लू इज इक्वल टू, सही है? समझ में आ गया सबको? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस इज जीरो, इसलिए डेल्टा यू विल बी जीरो। डेल्टा यू जीरो हो गया तो Q इक्वल टू W हो जाएगा, Q दिया हुआ है तो W निकल आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। ये वही आंसर दिया उसी का। नेक्स्ट स्लाइड। ये सवाल घर से करके लाना है आप लोगों को, नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आई है, ये होमवर्क है आपका। उतार लिया? देखो यहां पर इंटरनल एनर्जी दी है, बी पर दी है, आई क्यू आई एफ दिया है, आई ए एफ डब्ल्यू ए एफ दिया है, यहां से यहां तक का वर्क डन दिया है, वर्क डन आई से बी का दिया है, वर्क डन बी से एफ का दिया है,
तो आपको क्यू वी एफ, यहाँ से यहाँ का क्यू और यहाँ से यहाँ का क्यू का, मतलब इसमें क्यू और इसमें क्यू का रेशो निकालना है। ये सब कॉम्बिनेशन लगा के काम करना है। आंसर इसका दो आएगा, दो चार एक छः, कौन सा आंसर आएगा ये इनमें से आपको बताना है। जो ऑप्शन सा 1 2 4 6। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड। ये होमवर्क वाला सवाल नोट कर लिया आप लोगों ने? तो इसको आज की दो घंटे हो गए और अगला क्लास केमिस्ट्री का आप लोगों का, वो दे दो बेटा। ये घर से करके लाने हैं सवाल आप लोग, बांट दो। अगला क्लास कब है हमारा, कुछ पता है अगला क्लास कब है? मंगल को है। 9 अगला क्लास कब होगा? मंगल को। जितना पढ़ाया है उसके नोट्स बना लीजिएगा, जो रजिस्टर दिया गया है आपको और जो सवाल करने को दिए गए हैं, इसको करके लाएंगे आप लोग। और आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। क्या क्या सीख लिया आपने? जीरोथ लॉ सीख लिया, वर्क डन निकालना सीख लिया आपने, डिग्री ऑफ फ्रीडम सीख लिया, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सीख लिया, क्यू निकालना सीख लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लिया। अगले क्लास में कार्नट इंजन कौन क्या पढ़ाया जाएगा? कार्नट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। आपको 3 दिन का समय है, आज फ्राइडे है, आज का दिन है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, मंगल को क्लास होगी। 3 दिन में ये 20 सवाल करने हैं, प्लस एक सवाल जो नोट कराया वो करना है और जितना पढ़ाया गया उसके नोट्स बना करके लाने हैं। अगले क्लास में आपके थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर का आपका पूरा। और प्रयास ये किया है कि इतना आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल नीट या उसका ना हो पाए आप लोगों से, जेई मेंस तक का 2 सवाल आप आसानी से कर लेंगे। वर्क डन निकालना सीख ही लिया, 1 सवाल नॉर्मली वर्क डन पे आता है।